एक बार महल में मुंशी जी उदास बैठे हुए थे। मंत्री बीरबल जी उनसे उदासी का कारण पूछते हैं। मेरे दादाजी बीमार हैं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। आपने वैद्य जी को दिखाया? हाँ, वे दवा खाकर आराम कर रहे हैं। जब से मेरा काम बढ़ गया है, पता नहीं तब से दादाजी अक्सर बीमार पड़ने लगे हैं। मंत्री बीरबल जी समझ जाते हैं कि बीमारी का कारण क्या है। मंत्री बीरबल उस मुंशी को 15 दिन का अवकाश दे देते हैं। इससे क्या होगा? फिर वे मुंशी को बाहर ले जाकर कहते हैं, इस सूखे पौधे को देख रहे हो, तुम 15 दिन बाद आना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। 15 दिन के बाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री बीरबल जी, मेरे दादाजी एकदम ठीक हो गए। चलो अब मैं तुम्हें वह सूखा पौधा दिखाता हूँ। अरे, यह पौधा तो हरा भरा हो गया है, यह कैसे हुआ? पौधे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता। जब इस सूखे पौधे को हरे भरे पौधे के साथ रख दिया तो यह भी हरा भरा हो गया। वैसे ही तुम अपने दादाजी के साथ 15 दिन रहे तो वे भी स्वस्थ हो गए। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात समझ गया मंत्री बीरबल जी। मेरा उनके अलावा कोई नहीं, वैसे ही उनका भी मेरे अलावा कोई नहीं। अब मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताऊंगा, जिससे कि वे हमेशा खुश रहें।